वेलकम इन्वेस्टर्स, वेलकम ट्रेडर्स, ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 1 मई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ में मंथली कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है और अभी हम ये जो एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं ये एक मंथली कैंडल है डॉक्टर रेड्डी की। अगर हम इस मंथली चार्ट को गौर से देखेंगे और 5 to 6 मंथ के ट्रेडिंग सेशन को अगर यहाँ पे नजर डालेंगे तो लगभग आप पाएंगे कि 5230 के ऊपर ऑन अ मंथली बेसिस पे इसने ट्रेड तो किया बट हमें ऑन अ मंथली बेसिस पे किसी भी प्रकार का क्लोजिंग देखने को नहीं मिला है। उसी के साथ हमारे पास इस मंथली चार्ट पे जो हाइज देखने को मिल रहे हैं उस हाइज को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे एक स्लोप हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इन हाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमें स्लोप बनता हुआ नजर आएगा, कुछ इस तरीके का। अब चलेंगे हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, लेकिन अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करेंगे डॉक्टर रेड्डी के मंथली चार्ट पे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक डिमांड जोन था। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक के एनालिसिस के तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक मंथली डिमांड जोन है और आपने देखा कि प्राइस इस मंथली डिमांड जोन में आने के बाद यहाँ पर फ्रेश एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ और फ्रेश डिमांड जोन क्रिएट होने के बाद प्राइस ने यहाँ से एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट की। अब चलेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पर देखेंगे किस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डॉक्टर रेड्डी का वीकली चार्ट है और यहाँ पर हमने हाइस को कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और ये जो येलो कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये मंथली चार्ट से आ रहा है। इसके ऊपर ऑन डेली बेसिस पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला लेकिन मंथली बेसिस पे इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिला है। अगर यहाँ पर हम पैटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ एक वीकली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक बुलिश इनसाइड बार का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और वहीं से एक अपसाइड जर्नी ये स्टॉक हमें करता हुआ नजर आया। आज के डेट में 5163 के आसपास ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलेंगे हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर देखेंगे कि किस तरीके के प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये डॉक्टर रेड्डी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पे अगर हम मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो मैं इन लोस को अगर कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पर इस तरीके का एक डेली ट्रेंड लाइन बनता है और अगर हम यहाँ पर गौर से देखेंगे इन प्राइस एक्शन को तो यहाँ पर डेली ट्रेंड अप है लेकिन वीकली चार्ट पे एक जो सप्लाई है उस सप्लाई को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा और इस सप्लाई की वजह से स्टॉक को जो स्टॉक के ऊपरी जो लेवल्स है वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं और वो सप्लाई है यहाँ पर 5200 से लेकर तो 5335 का, ये एक वीकली सप्लाई है और इस वीकली सप्लाई के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद कंटिन्यू 4 ट्रेडिंग सेशन में प्राइस नीचे आया और यहाँ जब प्राइस था जब अपसाइड जर्नी की स्टार्ट थी तो ये गैप अप ओपन हुआ था और ये जो गैप है लाइक ऐसा सपोर्ट की तरह यहाँ पर हमें वर्क करती हुई नजर आ रही है। तो जब तक ये गैप यहाँ पर इंटैक्ट है तब तक हम इस स्टॉक में एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से फिर से अगर एक स्विंग लो यहाँ पर बने और इस गैप में या फिर इस एरिया में जो कि ट्रेंड लाइन के पास में है यहाँ आने के बाद अगर हमें एक अच्छा खासा बाउंस आता हुआ दिखाई देता है तो हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में डॉक्टर रेड्डी इस वीकली सप्लाई को ब्रेक करते हुए एक नए हाई प्राइस पे हमें ऑन अ डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे। बट अभी फिलहाल इस तरीके के पैटर्न्स यहाँ पे बने नहीं है और हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर फॉर्मेशन हो। ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन था जब प्राइस ऊपर गया, अब यहाँ से प्राइस नीचे आए, फिर से प्राइस ऊपर, फिर से नीचे, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन बनने के बाद शायद हो सकता है कि इसके ऊपरी लेवल्स आने वाले दिनों में हमें खुलते हुए दिखाई दे। तो ये था डॉक्टर रेड्डी का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस।
यह एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।